आरआरबी की एनटीपीसी की जो आंसर की है उसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों फाइनली यहां पर नोटिस डल चुका है, सबसे पहले वीडियो आपके सामने पहुंचा रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की है उसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिस यहां पर वेबसाइट पर डल चुका है आपके सामने, यहां पर देखिए। चलिए मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए आज की डेट में यहां पर नोटिस है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यह नोटिस दोस्तों आपके सामने यहां पर डाउनलोड हो चुका है। तो यहां पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपका जो हुआ था उसकी दोस्तों व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स आंसर की और दोस्तों ऑब्जेक्शन यानी दोस्तों आपकी जो आंसर की है उसकी कब आप आंसर की दे सकते हो, कब उसमें अपील कर सकते हो, ये नोटिस यहाँ पर दोस्तों डाला जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए द कंप्यूटर बेस्ड जो आपका हुआ था सीबीटी हुआ था वो दोस्तों आपका 28 जो दिसंबर है 2020 से लेकर 31/7/2021 तक हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर क्लियर बोल सकता है 16/8/2021 से, यानी कि दोस्तों 16 अगस्त से, यानी दोस्तों 16 तारीख से शाम को 8 बजे से और 23/8/2021 तक दोस्तों आप अपनी जो आंसर की है उसको दोस्तों यहाँ पर जांच कर सकते हैं। आप सबको इंतजार था और दोस्तों मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ पर आपके जो अगस्त महीना है, अगस्त महीने के अंदर आपकी जो आंसर की है 15 से 20 दिन के अंदर आपके आंसर की है मोस्टली रेलवे जो यहाँ पर जारी कर देता है। तो यहाँ पर 16 अगस्त से आप अपनी आंसर की यहाँ पर चेक कर सकते हैं और दोस्तों ये आपकी 28 तारीख रहेगी। और दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको टाइम शेड्यूल भी दे रखा है, देखिए आप जो आंसर की है वो यहाँ पर देख सकते हो 16/8/2021 से। आप उसमें ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि दोस्तों कोई क्वेश्चन आपने सही किया लेकिन दोस्तों गलत रेलवे ने मान लिया है, वो भी दोस्तों आप यहाँ पर 18/8/2021 है वो 8 बजे से दोस्तों उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि जो क्वेश्चन है रेलवे ने गलत आंसर क्लिक कर दिया है लेकिन आपके अनुसार वो आंसर सही है तो आप दोस्तों उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपसे पैसे भी लिए जाएंगे ₹50 पर क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही रहा, करेक्ट पाया गया, तो आपका जो पैसा है वापस यहाँ पर रेलवे रिफंड कर देगी। और दोस्तों लास्ट डेट जो रखी गई है क्वेश्चन आंसर की देखने की वो दोस्तों यहाँ पर 23 अगस्त 2021 रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे पहले अपडेट मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ पर जो पेमेंट कर सकते हो आपका जो आंसर की में आपका जो अपील करने के लिए वो दोस्तों यहाँ पर इन मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना है, तो उसके लिए आप टेंशन भी बिल्कुल भी मत लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले का नोटिस है यहाँ पर, और दोस्तों एक नोटिस और आया है वो भी मैं आपको दिखा चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आज के नोटिस में 3 नोटिस यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ पर देखिए 13/8/2021 का दूसरा नोटिस आपके सामने है, यहाँ पर देखिए नोटिस ऑन रिफंड फॉर एग्जाम फीस। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एक नोटिस और यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है, देखिए कि लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द फॉरगेटन रोल नंबर। दोस्तों बहुत सारे जो छात्र हैं वो दोस्तों अपना रोल नंबर भूल चुके हैं, क्योंकि आपको बताया कि बहुत सारे छात्र हैं एग्जाम देने के बाद अपना जो एडमिट कार्ड उसको भूल चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक मौका यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से दोस्तों अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान थे कि सर हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड नहीं है तो हम कैसे अपनी जो फीस है रिफंड लें। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिस डाला जा चुका है, इस नोटिस के ऊपर ये लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, आपके रोल नंबर आप दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया फॉरगेट यहाँ पर, तो आपको फॉरगेट रोल नंबर पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपके आपके सामने विंडो ओपन होगी और यहाँ पर दोस्तों आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो रोल नंबर है यहाँ से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर एक दोस्तों अपडेट और है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए एक अपडेट और है आज की डेट का मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिस यहाँ पर देखिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपके सामने, ये भी नोटिस दोस्तों आज की डेट में डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसके लिए दोस्तों फीस रिफंड जो है उसके लिए नोटिस डाला गया है कि वो भी दोस्तों यहाँ पर अपने जो भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल है उनके बारे में अपडेट करने का लिंक दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो छात्र हैं इतने छात्रों ने आपका एग्जाम दिया था और इतने में से इतने छात्र थे उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर अपडेट कर दी गई है तो उनको यहाँ पर फीस रिफंड हो जाएगी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि 1936 छात्र हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर फीस रिफंड नहीं हो पाएगी क्योंकि दोस्तों उनका जो बैंक डिटेल है वो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों इनको एक और मौका दिया गया है, जो भी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको मौका दिया गया कि 16 अगस्त से लेकर और आप 31 अगस्त तक दोबारा से आप अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ पर दोस्तों रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।